कॉलम वन एंड दिस इज कॉलम टू कॉलम वन में सबसे पहले दिया गया है टीलो फेज टीलो फेज की अगर हम बात करते हैं तो टीलोफेज में जो हमारी सेल ऑर्गेनलीज हैं वो रिफॉर्म होती है राइट तो अल्टीमेटली हम इसको यहाँ पे मैच करेंगे विद द फोर्थ जो दिया गया है रिफॉर्मेशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ओके okay, सेकेंडली हमें यहाँ पे दिया गया है एनाफेज तो एनाफेज की अगर हम बात करें तो एनाफेज में क्या होगा कि जो हमारे सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो ब्रोक डाउन होंगे एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवार्ड्स द अपोजिट पोल्स राइट सो हियर वी मैच इट विद द थर्ड एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे दिया गया है फेज। तो मैटा फेज में क्या होता है कि जो हमारे अपोजिट स्पिंडल पोल्स हैं वो फॉर्म होते हैं ऑन दैट बेसिस हम इसको यहाँ पे मैच करेंगे विद द सेकंड। एंड एट लास्ट हमें यहाँ पे दिया गया है प्रोफेज यहाँ पे जो स्पिंडल है वो ग्रो होता है पेट द देंट्रो जोम सो हेयर इट मैचेस विद द फर्स्ट राइट देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है ए मैच विद फर्स्ट तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है ए मैचेस विद फोर्थ बी मैचेस विद थर्ड सी मैच विद सेकेंड एंड डी मैच विद फर्स्ट तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सेकेंड एंड अदर हियर आर द रोंग ऑप्शन गिवन फॉर दिस क्वेश्चन राइट टेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर